माई सेल्फ मेवाराम क्लास सिक्स्थ चेस सब्जेक्ट एसएसटी सिविक्स चैप्टर फाइव टुडे टॉपिक पंचायती राज। स्टूडेंट्स वी शैल लर्न अबाउट द पंचायती राज। व्हाट इज द पंचायत, पंचायत क्या होती है इसके विषय में आप समझेंगे। इट इज स्पेशल डे टुडे, आज का एक विशेष दिन है। एवरी वंस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम सभा में जाना चाहता है, प्राप्त करता है। डू यू नो वाई, आप इसके बारे में क्यों जानते हैं, क्या आप इसके बारे में क्या जानते हैं। बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत, क्योंकि लोग इसलिए एक्साइटेड हैं कि ग्राम सभा इज होल्डिंग, ग्राम सभा हो रही है। इट्स फर्स्ट मीटिंग, ग्राम सभा की ये पहली मीटिंग है आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद एक नई ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग, पहली सभा होने जा रही है, इसलिए लोग एक्साइटेड हैं। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। हरदास विलेज के लोग टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत, न्यू पंचायत ये जो लीडर्स हैं वो गांव के लिए उसको साफ करने के लिए ये प्लान बना रहे हैं कि कैसे इसकी देखभाल की जाए, इस पर योजना बनानी है। ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बींग्स विद द पंचायत प्रेसिडेंट, ग्राम सभा जो है पंचायत का अध्यक्ष के साथ मीटिंग हो रही है। हुईज आंसु कॉल्ड द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट को एक सरपंच भी कहा जाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और पंचायत के मेंबर्स को पंच कहा जाता है। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेटिंग द रीड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। पंचायत में एक तो इस बात को डिसीजन लेना है कि गांव को मेन हाईवे से कनेक्ट करना है। आफ्टर दिस इसके बाद द डिसीजन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी वाटर के विषय पे, पानी के विषय में और पानी की शॉर्टेज के विषय में प्लान बनाना है। अ ब्लेज कॉल्ड तिजिया बिगिंस द मीटिंग वाई सेइंग, एक गांव की तिजिया है वो इस मीटिंग के लिए कह रहे हैं। द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी एक्यूट, वाटर की समस्या हरदास गांव के लिए एक बहुत ही अहम समस्या है। द हैंड पंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज ड्रिल्ड। द हैंड पंप वाटर के लिए हैंड पंप हैं, उनका पानी जो वाटर लेवल पॉइंट है उससे बहुत ही नीचे चला गया है। बी हार्डली गेट एनी वाटर द टैप्स, पानी के लिए टैप्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वुमेन हैव टू गो टू द स्रू रिवर
विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द ब्लेज टू इंक्रीज द सप्लाई। अभी आपको तिजिया विषय में बताया कि गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को जो सुरू नदी है वो गांव से 3 किलोमीटर दूर है, उस पर उससे सिर पर पानी रखकर किसी बर्तन में लाना पड़ता है, उस नदी तक जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव के एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। व्हाट द अदर थिंग दैट दिस वेल द एक्सपेंसिव इट्स बेटर दे फील टू डीपिन द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। दूसरे मेंबर्स ने सुझाव दिया कि इस साल के लिए हम हैंड पंप्स को वगैरह कर लेते हैं और कुओं की सफाई कर लेते हैं। तिजिया सेज दिस इज नॉट इनफ। तिजिया ने कहा ये पर्याप्त नहीं है, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तिजिया ने कहा ये पर्याप्त नहीं है, वी नीड टू डू समथिंग। हमें आवश्यकता है अधिक स्टडी परमानेंट एज ग्राउंड वाटर कि हमारे पास भी परमानेंट ग्राउंड वाटर की व्यवस्था हो, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन। ये प्रत्येक वर्ष वाटर लेवल नीचे जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज शिपिंग इन टू द ग्राउंड। यानी जितना वाटर ज़मीन में रिस कर जाता है उससे अधिक हम उसका यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। अदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही वाज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिहेरिंग फ्री फिलिंग इन इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। दूसरा सदस्य जो अनवर है उसने एवरीवन प्रत्येक को बताया कि ही है सीन वेज ऑफ कंज्यूमिंग वाटर। एक थोड़ा सा पानी के लिए सस्ता उपाय है जो कि मैंने महाराष्ट्र के एक गांव में देखा है। वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, जो कि वह अपने भाई को एक बार घुमाने वहाँ ले गया था। इट वॉज कॉल्ड वाटर सेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हियर दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। अनवर ने बताया कि मैं अपने भाई से मिलने गया था, उस गांव में जल संबंधित विकास कार्यक्रम जिसे वाटर सेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। एवरीवन थॉट दिस वाज ऑन इंटरेस्टिंग आइडिया। प्रत्येक को अनवर का आइडिया बहुत ही पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल। और ग्राम पंचायत ने उससे इसके विषय में डिटेल से पूछा। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनेंशिएशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन BPL।
नेक्स्ट मुद्दा जो था एजेंडा में, ग्राम सभा के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फाइनेंशियल करने का था, इसको बीपीएल कार्ड भी कहते हैं, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है, एज सून एज द लिस्ट इज रीड, और जैसे ही जैसे जैसे वो लिस्ट पड़ी, आउट पीपल बिगेन टू हिस्पर, लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दी, नटवर हैज जस्ट बाउट अ कलर टीवी, यानी नटवर ने अभी एक कलर टीवी खरीदी है, एंड हिज सन, और उसके पुत्र ने हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके पुत्र ने उसके लिए नई अपने पुत्र लिए नई मोटरसाइकिल खरीदी है, हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये पॉवर्टी लाइन में कैसे आ सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे कैसे आ सकते हैं। सूर्यमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूर्यमल पास में बैठे दूसरे लोगों से बड़बड़ा रहा था, उसने अगले विषय में बताया कि सरोज सेज टू सुखी बाई, सरोज सुखी बाई से कहती है, हाउ डिड आई जिस नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, ये नेम जो है इस लिस्ट में कैसे आ गए, ही हैज सो मच लैंड, ये तो अमीर हैं, दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में तो केवल गरीब लोग ही आने चाहिए, एंड ओम प्रकाश इज आ, इस लिस्ट में तो केवल गरीब लोग ही आने चाहिए, तो ये लोग कैसे आ गए, ओम प्रकाश इज आ लैंडलेस लेवर हु कैन वेयरली मेक्स एंड मीट एंड मीट, ओम प्रकाश इस गांव का लैंडलेस लेबर है, उसके पास जमीन नहीं है, वह मजदूर है, जो कि उसके लिए बड़ी मुश्किल से ये खाना मिल पाता है, येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, फिर भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू, यू नो आप जानते हैं कि दोनों नटवर और बिरजू दोनों ही आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, ये अमीर चंद के फ्रेंड हैं, हु कैन काउंटर अमीर चंद्स पावर, हु कैन, और जो अमीर चंद है उसके पास पावर है, शक्ति है, सुचीबाई से सुचीबाई कहती है, अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार, अमीर चंद जो है पुराना जमींदार है, लैंड ओनर्स ऑफ द ब्लेजर एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, वह इस पूरी जमीन का लिए कंट्रोल करता है, व्हाट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमने हमें ओम प्रकाश का नाम इसमें होना चाहिए। द सरपंच यानी पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनी वन हैज एनी थिंग्स टू से, जो सरपंच था उसने लोगों को कानाफूसी करते हुए देखा, क्योंकि वह सब पे निगाहें लगाए हुए था, और उसने आस्क इफ एनी वन, किसी से कहा एनीथिंग टू सी, किसी को कुछ कहना हो तो कहिए, सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूर्यमल, सरोज ने सूर्यमल को उकसाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के विषय में बताए, व्हाट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वह चुप रहा, अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, लेकिन अमीर चंद जो वहाँ बैठा हुआ था ग्राम सभा में, वह प्रत्येक पर निगाहें जमाए हुए था, देन सरोज गेट अप एंड सेज, सरोज ने उठकर कहा, दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, यानी ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए, अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर,
दूसरों ने भी इस पर सहमति जताई और कहा उसका परिवार बहुत ही गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम इस लिस्ट से कैसे रह गया। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली से, यानी जिस शिक्षक ने बीपीएल फैमिली इसका सर्वे किया था तो बीपीएल फैमिली के लिए ओम प्रकाश हाउस बाय लुक्ड व्हेन आई पेंट देयर। He may have gone somewhere to look for work। अर्थात ओम प्रकाश के घर का जब सर्वे हुआ, उसके घर टीम सर्वे करने गई तो वह घर पर नहीं मिला, घर पर केवल ताला ही मिला। He may have gone somewhere। वह काम के लिए कहीं बाहर जा चुका था। The सरपंच gives instructions that ओम प्रकाश family इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट लेस देन वर्ट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सरपंच ने कहा यदि ओम प्रकाश की वार्षिक आय गवर्नमेंट के डिसाइड किए हुए आय से कम है तो हिज नेम शुड बी इंक्लूड ऑन द लिस्ट, तो उसका नाम भी इस लिस्ट में जोड़ा जाए। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। ग्राम पंचायत की मीटिंग रेगुलर होने लगी एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क और उसका मुख्य मुद्दा उनमें से मुख्य मुद्दा टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी विकास के कार्यक्रम का प्रोग्राम का मुद्दा था फॉर ऑल विलेज सभी विलेजर्स गांव वाले दैट कम अंडर इट और इसके नीचे आए एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाई द ग्राम सभा। जो कि द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत ग्राम पंचायती ग्राम सभा के कार्य ग्राम सभा के द्वारा कार्य करती है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम कम्युनिटीज इन सम स्टेट कुछ स्टेट में ग्राम सभा एक समितियां बनाती है लाइक कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए जैसे कि निर्माण समिति एंड डेवलपमेंट कमेटी और विकास समिति। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा और ये समिति ही ग्राम सभा में कुछ मेंबर्स को इंक्लूड करती हैं जोड़ती हैं एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टूगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क और वे कोई विशेष कार्य के लिए इसको एक साथ करती हैं। लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में ऐसा क्या 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 विकास हुआ क्या क्या हुआ। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। क्या आपको याद है कि हरदास ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कैसे कैसे सुझाव आए थे कैसे सजेशन आए थे। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग यानी जब हरदास गांव में ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन वाई सम ऑफ द मेंबर्स यानी ये पॉइंट ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में दोबारा उठाया गया
दिस मीटिंग वॉज अटेंड बाय द सरपंच। ये मीटिंग सरपंच के द्वारा ही अटेंड की जा रही थी। वार्ड मेंबर्स और वार्ड मेंबर जिनको पंच कहते हैं एंड द सिक्योरिटी और सेक्रेटरी और वहाँ सचिव भी थे, यानी सरपंच और पंच और सेक्रेटरी के देखरेख में ये पंचायत हो रही थी। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशन टू डीपन टू हैंडपम्प्स एंड क्लीन वन वेल। ग्राम पंचायत के सदस्यों का सबसे पहले ये डिस्कस हुआ, सजेशन सुझाव था कि दो हैंडपम्पों को और गहरा कराया जाए और एक कुएं को गहरा कराया जाए, साफ कराया जाए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, जिससे कि गांव के लोगों को पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। द सरपंच ने पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्ट दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स। सरपंच ने सुझाव दिया कि इस पंचायत ने रिसीव सम मनी, इसमें मेंटेनेंस कराने के लिए, हैंडपम्प मेंटेन कराने के लिए कुछ धन है। दिस वुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, जो कि ये वर्क इस मनी से कंप्लीट हो सकता है। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्ड देयर डिसीजन। सभी मेंबर इस पर सहमत हो गए और सचिव ने इस डिसीजन को अपने रिकॉर्ड में लिख लिया। द मेंबर्स देन बेंट ऑन टू डिस्क्राइब द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। अब मेंबर्स तब वेंट ऑन टू डिस्कस, तब वे डिस्कस करने लगे द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय तक इस समस्या का समाधान हो, इस पर चर्चा करने लगे, वार्तालाप करने लगे। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन नेक्स्ट अगली मीटिंग में भी उठ सकता है, इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए। सम पंच आस्किट वेदर द वाटर शेड प्रोग्राम। कुछ मेंबर ने वाटर शेड प्रोग्राम का सुझाव दिया, वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल, यानी जो कि उन्होंने ये पूछा कि इससे क्या वाटर लेवल बढ़ सकता है। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड और इस डिस्कस से इस निर्णय पर पहुँचे। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड, और अंत में डिसाइड किया गया दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। और इस निर्णय पर पहुँचे कि ग्राम पंचायत में ये अप्रोच की गई कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के लिए प्राप्त करेंगे। थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के थ्री लेवल्स होते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। यानी कि थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के तीन स्तर, हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला लेवल है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर
आंसरेबल टू द ग्राम सभा, यानी पंचायत, ग्राम पंचायत के पंच ही ग्राम सभा में एक जवाबदेही होते हैं। बिकॉज इट इज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, क्योंकि वे ही ग्राम सभा के मेंबर्स को इलेक्टेड देम, क्योंकि वे ही इनको चुनते हैं। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। वन इज द ब्लॉक लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल पे इसका लेवल होता है, दूसरे स्तर का, विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति, जिसको कि जिला पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। द पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर, ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत अनेकों ग्राम पंचायत समिति आती हैं। एबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसके ऊपर की पंचायत समिति जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद कहलाती है। जिला परिषद एक्चुअल मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जिला परिषद वास्तव में जिला के लेवल को डेवलप करने के लिए योजनाएं बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, जो कि पंचायत समिति की हेल्प लेती है। इट आल्सो रेगुलर द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, ये नियमित रूप से ग्राम पंचायतों के लिए मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। व्हेन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। द आइडिया इज टू प्रोवाइड, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले, मौका मिले, जिससे वह अपनी आवाज़ को उठा सकें। आइडिया इज टू प्रोवाइड, और ये कोई नया विचार उपलब्ध करा सकें। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेजर देयर वॉइस, और इनकी अधिक से अधिक आवाज़ उठाने में ये पार्टिसिपेट कर सकें। Thank you for watching this video and like it. All student will search the question answers in this chapter. Thank you.